किसी ने क्या खूब कहा है कि अपॉर्चुनिटी हर एक दिन आपका दरवाज़ा खटखटाती है। कुछ लोग दरवाज़ा खोलकर उसका स्वागत करते हैं और कुछ लोग सोते रह जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। ये कहानी है पेट्रोल पंप में काम करने वाले एक लड़के की। एक लड़का था जो पेट्रोल पंप में काम करता था। वह रोज़ समय पर पेट्रोल पंप पहुँच जाता था और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद ही घर आता था। काम के प्रति उसका मन बहुत ज़्यादा लगता था। उसके कुछ सपने थे जो वो पूरे करना चाहता था वहाँ काम करके। पेट्रोल पंप में तरह तरह की गाड़ियाँ रोज़ पेट्रोल भरवाने के लिए आती थी, तो उसका भी सपना था कि एक दिन वो भी एक शानदार गाड़ी ले सके। पेट्रोल पंप में रोज़ तरह तरह की गाड़ियाँ आती थी, जिसको देख के इसका मन और ज़्यादा करता था कि इस तरह की गाड़ियाँ खरीदूँ। इसका सपना और मजबूत होने लगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा लगन और मेहनत से इस काम को करने लगा ताकि वो जल्दी से जल्दी गाड़ी ले सके। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह ये काम कर रहा था, तभी वहाँ पे एक शानदार गाड़ी आई। वह बिल्कुल अलग थी। उसको देखते ही समझ में आ गया कि हमारे शहर में तो ऐसी गाड़ियाँ नहीं हैं। जैसे ही कार पेट्रोल पंप में रुकी, उसका शीशा उतार के एक व्यक्ति ने कहा कि इसमें पेट्रोल डाल दो, तो ये लड़का पेट्रोल भरने लगा। लेकिन इससे रहा नहीं गया, बहुत देर उस गाड़ी को निहारता रहा और उसने कार में बैठे व्यक्ति से पूछ ही लिया कि सर, आपने ये गाड़ी कितने की ली है, कहाँ से ली है और कैसे ली है। तो उस कार में बैठे व्यक्ति ने बोला कि 1 करोड़ की ली है। और कैसे ली है का क्या मतलब है, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उसी पैसे से मैंने ये गाड़ी खरीदी है। तो इस लड़के ने पूछा कि मुझे भी ऐसी गाड़ी खरीदना है तो मुझे क्या करना होगा। तो वो बिजनेसमैन थोड़ी जल्दी में था, उसने अपना विजिटिंग कार्ड पकड़ाया और कहा कि मुझे फ़ोन करना, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या करना है। तो इस लड़के ने उस कार्ड को रखा, वो बिजनेसमैन भी चला गया वहाँ से। बहुत देर तक वो सोचते रहा ये लड़का कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी मुझे अपना सीक्रेट बताए कि उसने कैसे पैसे कमाया। हो सकता है मुझे ये कुछ गलत काम करवाएगा, इसीलिए मुझे ये नंबर दे के गया है। आज के समय में कौन दूसरों की मदद करता है, यही सोचता रहा दिन भर वो लड़का और काम करता रहा। जब उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई शाम को, तो वो जाते समय सोचते सोचते ही जा रहा था और जैसे पेट्रोल पंप से बाहर निकलने ही वाला था, वहीं पर रखा एक डस्टबिन में उसने उस कार्ड को फाड़ के फेंक दिया और अपने घर चला गया। फिर अगले दिन रोज़ की तरह वो काम पे लौटा, रोज़ काम करता, घर जाता। लगभग 1 साल बाद ठीक उसी तरह की गाड़ी फिर से पेट्रोल पंप पर आकर रुकी और इसने दोबारा उस व्यक्ति से पूछा जो कार के अंदर बैठा हुआ था कि सर, आपने ये गाड़ी कैसे खरीदी। तो कार में बैठे व्यक्ति ने जवाब दिया कि शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो व्यक्ति कार से बाहर निकला। दोस्त, मैं इसी पेट्रोल पंप में काम करता था 1 साल पहले और यहीं पर मैं झाड़ू लगाता था, शायद तुम्हें याद ना हो। फिर उसने गौर से देखा तो वो पहचान गया उस व्यक्ति को कि हाँ, तुम तो यहीं पे काम करते थे, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो उसने कहा कि 1 साल पहले तुमने एक कार डस्टबिन में फेंका था, तुम्हें याद है। उसने कहा हाँ, बिल्कुल मुझे याद है। तो मैंने उस कार्ड को बड़ी मुश्किल से जोड़ा और उसमें जो नंबर लिखा हुआ था, मैंने उस बिजनेसमैन को फ़ोन किया, उससे बात की, फिर उससे मिला। उसने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, टीम बनाना सिखाया, बहुत कुछ मुझे लर्निंग मिली उससे और आज उसी के बदौलत मैंने इतने पैसे कमाए हैं और ये गाड़ी खरीदी है। तो जब तुम उस दिन उस बिजनेसमैन से बात कर रहे थे, मैं भी पीछे खड़े होकर सुन रहा था। बस फर्क इतना है कि मैंने उस मौके को जाने नहीं दिया और तुमने उस मौके को छोड़ दिया। तो यही हमारे बीच का एक अंतर था और ये बोल के वो निकल गया। तो मैं आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मौका आपको कभी भी किसी भी रूप में मिल सकता है, तो उसको मत जाने दें, हमेशा तैयार रहें और मौके की तलाश करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।